हाथ पे चोट लग गई यार। हियर इज द फादर। हाय बाय नहीं हाय बोलो। मम्मी ने भेजे चने और पूरी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू रोहितन सोनी ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं कॉलेज से आ चुका हूँ। आज पापा आ रहे हैं तो जल्दी कॉलेज से लीव ले ली। टुडे वाज माय प्रेजेंटेशन तो जल्दी से प्रेजेंटेशन देके आ चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ और जा रहा हूँ सीधा SBT। पापा को कुछ ऑफिस का काम है और पापा बताएंगे कि क्यों आ रहे हैं। ही इज़ इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो उनको कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड काम है। और ये कह रहे हैं कि स्कूटी से रेस करो। क्या कह रहे हो भाई? मैं बोल रही हूँ पहले तो हेलो गाइस, मैं बोल रही हूँ कि स्कूटी से रेस करते हैं, देखते हैं कौन जल्दी चलाता है। तो मैं नीच जैसे क्या रही है? नीच जैसे नींद जैसी नहीं, धूप पड़ रही है ना। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर सैमो गाइस मैं रख रही हूं। मेरे के हाथ में क्या हुआ? हाथ पे चोट लग गई यार। सुबह बर्तन ग्लास धो रहा था, ग्लास अंदर हाथ डाला अंदर और ऐसे करा, कांच टूट गया और हाथ में पिन हो गया। तो गाइस फिर सीधे चलते हैं SBT और मिलाते हैं आपको पापा से। सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर और पापा ही रहे। गाइस हियर इज द फादर। हेलो पापा, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। पापा आज परेशान हो चुके हैं क्योंकि बसेस बिल्कुल चेंज करके आना पड़ा, कांवर की वजह से पूरा जाम हो रखा था। तो बहुत देर में पहुँच रखे हैं, कह रहे हैं अभी चाय भी नहीं पी सुबह से, तो जल्दी से ऑफिस तो पहुँच चुके हैं। तो पापा आ रखे हैं गाइस बाघ का जो बाल होता है ना उसका सैंपल चेक कराने आ रहे हैं। सैंपल देते हैं फिर पापा को नाश्ता पानी कराते हैं। सो गाइस फाइनली मैं पापा को ले आया हूँ कमरे पे। हमने सारा पापा का जो काम वाम था सब हो चुका है। बाय नहीं हाय बोलो। हाय। काफी टाइम बाद अभी रिलैक्स कर रहे हैं पापा क्योंकि 4 बजे से निकले हुए थे घर से और बसेस चेंज करते करते अभी पहुंच रहे हैं। आपको पता है गाइस कल शिवरात्रि है तो कावर आवर की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो फाइनली पापा इज हेयर और मैं सोच रहा था पापा के लिए कुछ बनाऊंगा खाने का, चिकन वगैरह, लेकिन मम्मी ने खाना पहले से भेजा है ताकि मुझे बनाना पड़े। और ये देखिए मम्मी ने फॉइल में पूरी वगैरह पैक कर रखी है, इसमें शायद सब्जी है। तो अभी फिलहाल मैं चाय बना रहा हूँ, स्पेशल चाय पापा के लिए। गाइस पापा से मैं बोल रहा हूँ कि कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन क्या चले मसूरी? मसूरी यार बाद में जाएंगे। आप कब? बाद में टाइम मिल जाएगा बाद में। पापा मम्मी लोगों का कभी टाइम नहीं आता। गाइस मैं कह रहा हूँ मसूरी चलो घूम के आते हैं थोड़ा, तो बोल रहे आज ही निकलना है करके। तो देखते हैं क्या होता है शाम तक। नहीं तो आज तो वैसे ही थका हुआ हूँ मैं। देखते हैं भी क्या होता है, पहले खाना पीना खाते हैं तो देखते हैं अगर प्लान बनता है। सो गाइस पापा को खाना यहाँ लगा दिया, ये मम्मी ने भेजे हैं चने और पूरी। जब भी आते हैं मम्मी यही बनाती है और मैंने चाय बना दी है। तो जल्दी से करो पापा नाश्ता। हाँ नाश्ता करें आप, तू भी कर नाश्ता। मैं लेके आता हूँ अपना और पापा में साथ में खाते हैं। सो गाइस खाना पीना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सीधे दीदी के यहाँ। पापा को मिलाते हैं दीदी से। तो पापा पहली बार मिल रहे हैं हमारी मकान मालकिन से। सो गाइस हम आ चुके हैं दीदी के यहाँ। ये रहे पापा और गाइस ये रही दीदी। तो यहाँ पर दीदी ले आई है चाय पानी, तो जल्दी से पीते हैं चाय। और पापा और दीदी लोग तो बात कर रहे हैं आपस में, मैं कैसा हूँ करके, ये सब बातें चल रही है, पढ़ाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। और सो गाइस हम आ चुके हैं दीदी के वहाँ से और फिर मैंने पापा के लिए चाय बना दी। ये रही पापा की चाय। भाई चाय मतलब पापा ने कम से कम 2 घंटे में 4-5 चाय पी दी क्योंकि सुबह से नहीं पीना। हाँ हाँ, एक तुमने दुकान में पी, एक दीदी के यहाँ पी, एक घर में पी, फिर एक दोबारा से, ये तो टोटल 4 चाय। कह रहे हैं कि सुबह से नहीं पीती तो एक साथ सब एक साथ धक्का पेली हो रही है। चाय में कम पीता हूँ, चाय पीता ही नहीं ज़्यादा। चाय सबसे ज़्यादा पीते हैं, कम कर दिया। बाकी मम्मी देखेगी ब्लॉग, मम्मी को तो पता ही है। तो अभी पापा को मैं हरिद्वार लेके जाने वाला हूँ क्योंकि पापा ने कभी भी आज तक गंगा आरती बिल्कुल नहीं देखी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर टाइम से पहुँच गए तो पापा को गंगा आरती दिखा दूंगा और वहाँ से फिर पापा बस में बैठ के चले भी जाएंगे। तो फिलहाल जल्दी से पापा चाय वाय पी रहे हैं और मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। तो मिलते हैं आपसे गाइस हरिद्वार में आज फिर से, मतलब 3rd time इट इज़ हरिद्वार जा रहे हैं जो, ठीक है। तो गंगा आरती दिखानी है पापा को। देखो गंगा आरती जा रहा है तो अब देखना ही पड़ेगा फिर। पापा को वहाँ पर कांवर आंवर वाले बहुत दिखेंगे क्योंकि कल शिवरात्रि है। वैसे कांवर वाले नहीं दिखेंगे, सब निकल गए होंगे, है ना? जा रहे हैं धीरे धीरे, कल तक पहुँच जाएंगे वो लोग। हाँ कल व्रत भी है, शिवरात्रि का मेला भी, वो भी हो गया। अब पापा कह रहे हैं कि जल भी रख लूंगा वहाँ से अगर जा ही रहा हूँ तो। जल तो ले जाओगे? हाँ जल ले जाएंगे। चलो चाय पियो फिर जल्दी से। सो गाइस फाइनली वी अराइव्ड एट हरिद्वार और अभी हमें हर की पौड़ी पे, बट वी आर टू लेट टू सी गंगा आरती। गाइस पापा को गंगा आरती दिखानी थी बट बहुत देर हो गई क्योंकि देहरादून का जाम बहुत तगड़ा जाम लगा था तो इसलिए लेट हो गई हमें। बट सी दिस क्राउड गाइस। पापा कितनी भीड़ है आज? बहुत काफ़ी भीड़ है। पापा दूर से देखा, पापा ने कह रहे भाई इतनी भीड़, क्योंकि पापा आते नहीं है ऐसे। आज मैं पापा को ले आया। पापा एक बार आ चुके हो पहले? एक बार हाँ मैं तो कई बार आ चुका हूँ, बीच में आया था वैसे, इतनी भीड़ नहीं देखी मैंने पहले। सो गाइस पापा आ रखे हैं तो स्नान करना तो बनता है, तो पापा कह रहे हैं कि गंगा जल भी लेना है और स्नान भी करना है। चलें फिर? हाँ फिर नहा लेते हैं। तो चेक दिस क्राउड गाइस, पूरा हर की पौड़ी पूरा भर रखा है। सो गाइस पापा चले गए स्नान करने और सारा सामान मेरे कंधे पे डाल रखा है, मतलब मैं ऐसा लग रहा हूँ बोगी जैसा क्योंकि यहाँ पूरा फर्श गीला हो रखा है तो नीचे कपड़े रख नहीं सकते, पूरा गीला है गाइस यहाँ पर पूरा।
और यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं और पापा भी चले गए गाइस। डुबकी मारो आराम से। पापा आ चुके गंगा स्नान करके। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा होगा। बढ़िया लग रहा है, पानी ऐसा कोई ठंडा नहीं है। बम बम बोले, बम बम बोले। ये वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि पापा की सबसे बेस्ट शिवरात्रि रही क्योंकि पापा ने गंगा स्नान किया वो भी हरि के द्वार में। तो काफी ज्यादा मैं भी खुश हूँ क्योंकि पापा आज स्नान करने हरिद्वार आए। पापा आ नहीं रहे थे बट भोले का बुलावा था तो पापा आ गए। और फिलहाल ये चेक करिएगा इस हर की पौड़ी में यहाँ पूरे रात को सारे लोग स्नान कर रहे हैं। और ये भीड़ ना, ये क्राउड कल तक पूरा शाम तक रहेगा क्योंकि कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। कल हमारे भोलेनाथ की शादी है गाइस, भोलेनाथ की शादी, हम सब नाचेंगे। सो गाइस पापा ने तो गंगा स्नान कर लिया है, मैं थोड़ा गंगा जल सर में डाल लेता हूँ क्योंकि मैं हरिद्वार तो आया हूँ, स्नान नहीं कर रहा हूँ तो क्या हुआ, गंगा जल डाल के पूरा गंगा स्नान के बराबर हुआ। तो गाइस गंगा स्नान हो चुका है और अब सीधे चलते हैं थोड़ा मार्केट वगैरह घूमते हैं, यहाँ का क्राउड चेक कराते हैं गाइस आपको कितना ज्यादा क्राउड हो रहा है इस समय हरिद्वार में। तो गाइस यहाँ पर भर लिया है पापा ने गंगा जल। तो गाइस फाइनली आई एम एट रोड बेस स्टेशन हरिद्वार। तो पापा यहाँ से सीधे जा रहे हैं रामनगर और पापा बैठ चुके हैं गाइस यहाँ पर। सो गाइस पापा जा रहे हैं यहाँ से, चलो सेफ जर्नी, ठीक है बाय बाय, चलो प्रणाम। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कमरे पे और रात के बज चुका 10:30। तो आते आते काफ़ी ठंड हो गया था बट अच्छा लगा कि पापा आ जाए। द डे वॉज वेरी टायर्ड बट पापा के आने से ना पूरा थकान सब खत्म हो गई। मैं सोच रहा था कि पापा को मसूरी भी घुमाऊंगा, बहुत सारी जगह घुमाऊंगा, बट पापा रुके नहीं क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट वर्क था। बाकी उन्होंने सैंपल वगैरह सब फॉरेंसिक जांच के लिए दे दिया था गाइस। टाइगर के बाल और कुछ उसके बोन के टाइनी पीसेस आ रखे थे फॉरेंसिक जांच के लिए, तो उससे पता चल जाएगा। 14-15 दिन में रिपोर्ट जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि टाइगर की मौत कैसे हुई थी। तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं गाइस। होप सो कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।